बढ़ती उम्र के साथ साथ चेहरे पर रिंकल्स, फाइव लाइन्स और झुर्रियाँ जैसी प्रॉब्लम होने लगती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ एक ऐसा ट्रीटमेंट शेयर करने वाली हूँ जो आपके सारे प्रॉब्लम को जड़ से दूर करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो जिस ट्रीटमेंट की हम बात करने वाले हैं वो हमें घर पे ही मिल जाएगा, बाज़ार से कुछ भी लाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो उसमें मैंने यहाँ पर लिया है नारियल तेल यानी कि कोकोनट ऑयल। आप जो आपकी स्किन को सूट करता है आप वो कोकोनट ऑयल ले लीजिए। आज मैं आपको जो ट्रीटमेंट बताने वाली हूँ वो हमारे फेस पर से झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन और फाइव लाइन्स, रिंकल्स जैसी सारी समस्याओं को दूर करने में हमारी हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने हाथ पे थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया है और उसके बाद पूरे फेस पे मैंने इसको अच्छे से लगा लिया है। तो कोकोनट ऑयल को हमने पूरे फेस पे लगा लिया। उसके बाद मैंने ली है स्पून, तो यहाँ पर मैंने 2 स्पून ली है। उसके बाद नीचे से ऊपर की ओर हमें स्पून से अपने फेस पे मसाज करनी है 5 से 10 मिनट तक। ऐसा आपको रोज रात को करना है। आप विंटर सीजन में करते हो तो आप कोकोनट ऑयल लगा सकते हो, या फिर आप और कोई सीजन में करते हो तो फिर आपको जो भी आप लोशन लगाते हो या फिर आप नाइट क्रीम लगाते हो उसके ऊपर लगाने के बाद इस पे आपको स्पून से मसाज करनी है। तो देखिए इसी तरह से आपको मसाज करनी है। और अभी तो विंटर सीजन चल रहा है तो मैं तो अपने फेस पे कोकोनट ऑयल ही लगाऊंगी। कोकोनट ऑयल के हमारे बहुत ही ज़्यादा फायदे हैं फेस के लिए। और ये जो स्पून मसाज मैं आपको दिखा रही हूँ आपके फाइव लाइन्स को, रिंकल्स को बहुत ही जल्दी कम कर देगा अगर आपने इसको रेगुलर तरीके से किया तो। इसको आपको हल्के हल्के हाथों से फोरहेड पे करना है, आपको चीक पे करना है, चिन एरिया पे करना है, आप चाहो तो आइस के नीचे, अगर आपकी आंखों के नीचे आपको सूजन आ जाती है तो आपको वहाँ पर भी हल्के हल्के हाथों से स्पून से मसाज करनी है। आप नेक पे भी कर सकते हो। इसी तरह से आपको पूरे फेस पे मसाज करनी है। आप चाहो तो नेक से लेके पूरे फेस पर ऊपर तक जाते हुए मसाज कर सकते हो, और आप चाहो तो अलग अलग पार्ट में अलग अलग एरिया पे आप मसाज कर सकते हो। तो देखिए आंखों के नीचे जब भी आप मसाज करें तो बहुत ही हल्के हल्के हाथों से कीजिए। तो इसी तरह से आपको रोज मसाज करनी है और उसके बाद आप देखोगे कि 1 से 2 वीक में आपके फाइव लाइन्स, झुर्रियाँ जितनी भी थी उसको ये धीरे धीरे कम हो जाएगी और आपकी स्किन पहले जैसी सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाएगी। तो देखिए ऐसे ही आपको आइस पे हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। आइस के नीचे भी आपको ऐसे ही हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है, जैसा मैं दिखा रही हूँ आपको सेम वैसे ही करना है। लेकिन आपको इसको रेगुलर तरीके से करना है। अगर आपने इसको 2-3 बार करके छोड़ दिया तो फिर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। तो इसको आप रेगुलर तरीके से और रेगुलर ही यूज़ कीजिए। और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपके फेस को कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है तो आपके फेस को जो ऑयल सूट करता है आप उसको फेस पे अप्लाई कर लीजिए, उसके बाद ही आप मसाज कीजिए। जैसे कि आप बादाम का ऑयल भी लगा सकते हो, या फिर आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हो, या फिर आपके फेस को जो सूट करता है आप वो ऑयल लगा सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमारी स्पून मसाज कम्प्लीट हो गई है। सो फ्रेंड्स देखिए ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।